से एडवांटेज नहीं बोलेंगे, इसको स्कैम बोलेंगे। मेरा 153,000 रुपया बर्बाद हो चुका है, नहीं मिलता डबल स्टैंड, नहीं मिलता आगे सर। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं जो वीडियो बनाने लगा गाइस, आज बजाज चेतक के ऊपर है। इसमें जो जो डिसएडवांटेज है गाइस, आज सारा कुछ इसमें कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप लोग बाइक लेने जा रहे हो तो ये प्रॉब्लम अगर आप लोग को पसंद नहीं है तो आप लोग लेने से पहले सोच सकते हो। ना लेट करते हो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये गाइस हमारे पास बजाज चेतक प्रीमियम मॉडल है गाइस 2024 की। सो आप लोग देख सकते हो अभी बाइक ऑन है और आपको कुछ ऐसा DRL आगे से मिल जाता है, ठीक है। इसका ना ज़्यादा कुछ आज इसमें कवर नहीं करने वाले, सिर्फ इसका डिसएडवांटेज कवर करने वाले। अगर इसका पूरा लॉन्ग वीडियो चाहिए गाइस तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताना। सो सबसे पहले इसको बंद करते हैं हम लोग। जो मुझे इसमें डिसएडवांटेज लगता है गाइस, सबसे पहले इसका सस्पेंशन काफ़ी ख़राब है गाइज। इसमें और अच्छा हो सकता था, बजाज इसमें और अच्छा कर सकता था। और दूसरा जो डिसएडवांटेज है गाइज, इसका फ्रंट ब्रेक, इससे काफ़ी आवाज़ आता है गाइज, कट 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 की। सो आपको बहुत बहुत लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग टर्म में आप चलाते हो बाइक तो आपको बहुत इरीटेट करने वाला है। सो ये प्रॉब्लम है गाइज इसमें। और आगे से इसका जो हैंडल है गाइज, चलाते टाइम आपको वाइब्रेशन फील होता है गाइज, वो भी सस्पेंशन अच्छा ना होने की वजह से। आपको ख़राब रोड पे वाइब्रेशन फील होगा, अच्छे रोड पे भी वाइब्रेशन फील होगा आपको। इसमें ये जो है बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है गाइज। और इसकी रेंज गाइज, कंपनी बोलती है 110 किलोमीटर फुल चार्ज में जाती है, लेकिन नहीं गाइज, 110 किलोमीटर नहीं जाती है। आपको 95 से 100 किलोमीटर का अंदर का रेंज मिलता है फुल चार्ज में। अगर वो भी अगर आप 40 या 50 के ऊपर चलाते हो तो और कम रेंज मिलता है, करीबन आपको 80 का रेंज मिलता है अगर 40 के ऊपर चलाते हो तो। अगर 40 के आसपास चलाते हो तो आपको 100 का आराम से इसका रेंज मिल जाएगा फुल चार्ज में। और इसका जो मुझे और एक डिसएडवांटेज लगा है, इसको चार्ज होने में करीबन आपको 6 घंटा के आसपास लग जाता है इसको फुल चार्ज होने में, जो कि बहुत ही बेकार है गाइस मुझे अभी तक लगा है। अगर आप लोग को ये प्रॉब्लम अगर लगता नहीं तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता गाइस। मुझे इसमें ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है 6 घंटा चार्ज होने में, और रेंज भी आपको कम मिलता है, ये नहीं कि रेंज ज़्यादा मिलता है आपको, ये है। और इसमें गाइस बजाज चेतक को लेडीज़ जो फुट पैड होता है वो देना चाहिए था, वो जबकि नहीं दिए। 1,53,000 लेने के बाद भी आपको लेडीज़ फुट पैड नहीं मिलता है, जबकि जो अदर स्कूटर है जिसमें आपको लेडीज़ फुट पैड मिल जाता है, वो भी 1,20,000, वो जो पेट्रोल में आती है उसमें, इसमें आपको नहीं मिलता। इसके लिए अलग से 1,400 रुपया चार्ज किया जाता है आपसे अगर लगवाते हो तो। इसमें आपको डबल स्टैंड भी नहीं मिलता है, जो कि सबसे बेकार, इसमें डबल स्टैंड देना चाहिए कंपनी को। इसका ये भी आप लोग अगर जा रहे हो लेने तो ये देख के पहले जाना कि आपको डबल स्टैंड का नीड है या नहीं। अगर नीड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नीड है तो इसको लेने से पहले आप लोग सोच के जाना। इसका लगवाने का करीबन 2,400 रुपये दाम है, जबकि मैं पूछा था, जहाँ तक मुझे याद है 2,400 के आसपास आपको लग जाएगा, 1,400 लेडीज़ फुट पैड का और 2,400 इसका। तो ये काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है इस बाइक का, जबकि ये सब देना चाहिए 1,53,000 लेने के बाद, ठीक है। और इसका गाइस और एक डिसएडवांटेज है इसका, जो जब स्टार्टिंग में मैं लिया था इसका, अगर कोई भाई ने रिव्यू देखा हो तो वो जाकर चेक कर सकते हो, जो नहीं देखा तो उसको। लेकिन यहाँ पे मेरा क्या, किसी और का भी रिव्यू देखे होंगे तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे अलग अलग थीम सेट करने का मिलता था, लेकिन जब से फर्स्ट सर्विस हुआ तब से डिफ़ॉल्ट ये थीम आ चुका है। और कंपनी उस टाइम कुछ नहीं बोली, ये थीम हटा दी करीबन फर्स्ट सर्विस के बाद। सबसे बड़ा बजाज का स्कैम लगता है, डिसएडवांटेज नहीं बोलेंगे इसको, स्कैम बोलेंगे। और इसके लिए आपको अलग से 9,000 रुपया देना पड़ेगा, तब जाके वो आप थीम यूज कर सकते हो। और अलग से 80 किलोमीटर उसमें पता नहीं क्या क्या मिलता है, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगा। करीबन 1,53,000 देने के बाद आप लोग 9,000 और दो, करीबन सोच सकते हो 1,62,000 के आसपास आपको पे करने पे आपको वो मिलता है करीबन। ये बहुत ही महंगा गाइज, और अगर आप लोग लेने सोच रहे हो तो सोच के जाना गाइज, 1,62,000 देना वर्थ है या नहीं।
जहाँ तक मुझे लगता है गाइस देना सही नहीं है। आप लोग इसके कंपेयर में बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं, वो जाके एक बार उसका टेस्ट ड्राइव लो, और अगर लेने में इंटरेस्ट हो तो मतलब टेस्ट ड्राइव लो, अगर आपको अच्छा लगे तो लेना, और नहीं अच्छा लगे तो आप लोग जाके इसको एक बार इसका भी टेस्ट ड्राइव ले सकते हो। वैसे मुझे लगता है मुझे मेरा 153,000 रुपया बर्बाद हो चुका है। सो इसमें आप कुछ बोल नहीं सकते गाइज, क्योंकि आपको लेटेस्ट फुटप्रिंट नहीं मिलता, डबल स्टैंड नहीं मिलता, आगे सस्पेंशन बेकार मिलता है गाइज, आगे का हैंडलिंग बेकार मिलता है, आपको डिस्प्ले बेकार मिलता है, उसमें थीम नहीं होता है। इतना कुछ होने के बाद भी आप लोग इस बाइक को लोगों सो सकते हो, ऊपर से रेंज जो कंपनी बोलती है 110 किलोमीटर आपको रेंज मिलता है, वो भी नहीं मिलता है गाइस फुल चार्ज पे। अब क्या चाहिए गाइस, सबसे बेकार है गाइस सारा कुछ में, इसको डिसएडवांटेज ही गाइस सिर्फ लुक वाइज और कंफर्ट वाइज। सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा है ये नहीं बोल सकते, मिरर भी काफ़ी अच्छा है इसका, मिरर काफ़ी चौड़ा मिरर है, ये सब ठीक है गाइस, लेकिन आपको 153,000 में ये बेकार है गाइस, बेकार डील है मुझे जहाँ तक लगता है। सो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना गाइस, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आया तो। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।